ये तो हमने आपको बीते दिन अपनी एक रिपोर्ट में बता ही दिया था कि गोविंदा अपने बेटे यशवर्धन के साथ अपनी बहन की बेटी आरती सिंह की शादी में पहुंचे थे। मामा गोविंदा और भाई यशवर्धन को शादी में देख आरती बेहद खुश हुई। गोविंदा ने आरती और उनके होने वाले पति को खूब सारा आशीर्वाद भी दिया और इसके साथ साथ कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा ने गोविंदा के पांव छुए। गोविंदा ने कृष्णा के दोनों बेटों को गले से भी लगाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो गोविंदा ने आरती और दामाद के साथ तस्वीरें खिंचवाने से कर दिया इनकार? ऐसा क्या हुआ जो गोविंदा इस शादी में एक घंटे के लिए भी नहीं रुके? मामू जान आए, आशीर्वाद दिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? शादी में आने के बावजूद गोविंदा ने क्यों किसी के साथ पिक्चर्स क्लिक नहीं करवाई? क्यों सिर्फ आशीर्वाद दिया और बिना कुछ खाए पिए शादी से चले गए गोविंदा? चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। असल में गोविंदा और कृष्णा का झगड़ा चल रहा है, ये बात तो जग जाहिर है। ये बात जग जाहिर है कि गोविंदा का परिवार और कृष्णा का परिवार आपस में बातचीत नहीं करता। लेकिन शादी में गोविंदा सिर्फ अपना फर्ज निभाने आए थे, आशीर्वाद देने वाला फर्ज। और गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता से ये वादा किया था कि वो शादी में रुकेंगे नहीं। गोविंदा ने कहा था कि वो शादी में सिर्फ आना जाना करेंगे, आरती को आशीर्वाद देकर वापस लौट जाएंगे। और चीची मामा ने ऐसा ही किया, शादी में आए, अपना फर्ज निभाया और फौरन वहां से चले गए। चीची मामा ने ना तो तस्वीरें खिंचवाई, ना कुछ खाया पिया, बस सब बच्चों को गले से लगाया, उन्हें दुआएं दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी की। और इसके बाद आरती की शादी से 9-2-11 हो गए बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर। अपनी पत्नी को दिए वादे का भी मान रखा और मामा होने के फर्ज का भी। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।